नमस्कार, मेरा नाम हिमांशी और आप सभी देख रहे हैं सी लॉर्ड न्यूज। ट्विटर में अक्सर कई चीजों को बॉयकॉट करने की बात की जाती है। अगर आप इसे गिनती करने चलेंगे तो ये चीजें अनगिनत है। ऐसा ही कंपनी हुडाई के साथ हुआ है। आपको बता दें, ये कंपनी मारुति सुजुकी के बाद इंडिया में दूसरे नंबर पर आती है। ये कंपनी कोरियन कंपनी है। इसे बॉयकॉट करने की बात क्यों कर रहे हैं? दरअसल इसके कोई अनऑफिशियल अकाउंट ने पाकिस्तान कश्मीर ऐसे विवाद को लेके कोई ट्वीट किया था। उसके बाद से ही इंडिया के लोग भड़के हुए हैं और इसे बॉयकॉट करने की बात कर रहे हैं। लोगों ने इसके बाद क्या था, ना आर देखा ना पार, और कंपनी को बॉयकॉट करना शुरू कर दिया। लोगों ने ये तक नहीं देखा कि जिस अकाउंट से ये ट्वीट किया गया था वो वेरीफाइड था या नहीं था। फिर क्या था, हैशटैग बॉयकॉट हुंडई बिल्कुल ओमिक्रॉन वायरस की तरह इंडिया में हर जगह फैलने लगा और इसके ट्वीट के बाद ट्वीट होने लगे। इस पर कंपनी का ही पसीना छूट गया और कंपनी ने एक लंबा चौड़ा चिट्ठा लिख डाला, जिसमें कंपनी ने ये बताया कि इंडिया उसके दूसरे घर की तरह है। जी हाँ, जैसे कोरिया उनका मायका मान लो पहला घर, तो इंडिया उनका ससुराल है, उनका दूसरा घर है। कंपनी ने ये भी कहा कि वो इंडिया को 25 साल से सेवा देती आई है और वो आगे भी देती रहेगी, और ऐसे किसी भी कमेंट से, ऐसे किसी भी ट्वीट को कंपनी सहेगी नहीं, उस पे सख्त एक्शन करेगी, सख्त कार्यवाही करेगी। आप जरा सोच के देखिए, जिस अकाउंट से ये ट्वीट किया गया था वो वेरीफाइड तक नहीं था, मतलब वो कंपनी में से किसी पर्सन ने नहीं किया था। वो हो सकता है कंपनी का कोई फैन हो जिसने वो पेज क्रिएट किया हो और उसने वो ट्वीट किया हो। तो क्या इस पर कंपनी पर सवाल उठाया जाए? क्या इस पर कंपनी को बॉयकॉट किया जाए? ऐसे आज कितने सारे स्टार्स हैं, बॉलीवुड स्टार से लेकर कितनी सारी कंपनियां हैं जिसके अनऑफिशियल अकाउंट बने गए हैं। तो क्या अब उन सब में से कोई भड़कीला ट्वीट आएगा तो क्या हम उसको इतना मायना दें? क्या हम उसको इतना दर्जा दें?